बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। छत से गिरे घायल युवक को किया रेफर। वो आपको बता दें कि सितारगंज के सिनोना में रविवार को मकान की छत से गिरे घायल युवक को परिजन व पूर्व विधायक नारायण पाल को लेकर पहुंचे सीएचसी सितारगंज में कराया भर्ती, जिसके उपरांत चिकित्सक द्वारा उपचार के दौरान गंभीर अवस्था देखते हुए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी के लिए किया गया रेफर। सितारगंज के सिसोना में रविवार को निवासी कपिल धामी मकान की छत से गिर जाने के कारण गंभीर घायल हो गया था, जिसके बाद सोमवार को उसके परिजन व पूर्व विधायक सितारगंज नारायण पाल द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में लाकर भर्ती कराया गया था। वहीं मुख्य चिकित्सक राजेश आदर ने बताया कि उसकी प्रारंभिक जांच में पता चला कि कपिल धामी मानसिक रोग से भी पीड़ित है और उसकी एक टांग की हड्डी टूटने से वह गंभीर अवस्था में है, जिसके चलते उसे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया है, जहाँ उसे मानसिक रोग व हड्डी टूटने का इलाज हो सकेगा और वो जल्द ही स्वस्थ होकर लौटेंगे, ऐसी मेरी उनको कामनाएं हैं। जिनकी की गिरने के कारण पैर में चोट आ गई थी, उनकी फीमर फ्रैक्चर हो गई है, जिनके बेहतर उपचार के लिए उन्हें सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। साथ ही एक बात और संज्ञान में और आई थी कि कुछ उनको मानसिक दिक्कत भी है, तो वहाँ पर जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ हैं उनकी भी उपलब्धता है, इस प्रकार से उन्हें दोनों प्रकार से लाभ मिल जाएगा और शीघ्र ही वो स्वस्थ होकर लौटेंगे, ऐसी मिली है।